आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो ये एक्चुअल में चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, अगर सपोज करो ये आयरन का रॉड है, इसे अगर गोल्ड बनाना है, राइट, मतलब इसके ऊपर गोल का कवर करना, प्लेटनाइजेशन करनी है, तो ये सब पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। दूसरी पॉइंट बात करें बैटरी, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल अपने घर में बैटरी होती है, ठीक है, सेल जितनी भी चीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी पॉइंट बात करें तो यहाँ पे नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब एक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में होगा, यहां पे क्या होंगे, कंपाउंड्स के आयंस का मूवमेंट होगा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, आयंस का मूवमेंट। और एक क्या होता है मेटलिक कंडक्टिविटी, वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहां पे हमें उस चीज को नहीं डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है आयंस के मूवमेंट की बात करनी है, क्योंकि हम लोग का हेडिंग क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। साथ में इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें इससे रिलेटेड वो डाटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट इसके बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, ठीक है, कॉल्स लॉ, ये सब पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो मेन पॉइंट है यानी गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करना है और उसको डिटेल में देखना हम लोग। इसके बाद SHE, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। साथ में बैटरी डिस्कस करना, तो इतने पॉइंट यहां पे हमें डिस्कस करना है। चलो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का हमने पहले यहाँ पे डेफिनेशन नोट डाउन कर दिया है, उसको एक बार हम लोग रीड करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाई पासिस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया, पानी में डाल देते हैं, नमक डाल दिया पानी में, उसके बाद करंट प्रोवाइड कर देते हैं, आयंस में ब्रेक कर जाता, सोडियम क्लोरीन किसमें ब्रेक कर जाता, आयंस में, और ये क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बन जाएंगे, राइट। तो उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम यहाँ पे डिस्कस करना है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक जो मेन पॉइंट आएगा, अब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, लेकिन उससे पहले छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, क्योंकि आगे जो को हम लोग बनाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो एक पॉइंट होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अगर इस थ्योरी की बात करें तो एक तरह की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जैसा है, ठीक है। यहां पे हमने मार्क किया फोर केटायन एंड फोर एनायन। केटायन के कंडीशंस में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन, मतलब सपोज करो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग और एक ही सॉल्यूशन में दो या तीन आयंस हो, तो उसमें कौन सा आयंस डिपोजिट करेगा ये यहां से डिसाइड होती है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रख लेने का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। फोर केटायन, तो सबसे पहले कौन सा मार्क किया हमने, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम आयन, कैल्शियम आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, एल्युमिनियम आयन्स, जेड टू प्लस, हाइड्रोजन आयन्स। मेन सबसे ज्यादा सबसे एक्वस फेज की बात करते हैं, वाटर होता तो वाटर में एच प्लस निकल के आता है, तो सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला एच प्लस, उसके बाद कॉपर टू प्लस, एजी टू प्लस, एजी प्लस। तो अगर मान लो, अगर सपोज करो एक सॉल्यूशन है उसमें दो टर्म्स आ गया, एक सोडियम आ गया, एक हाइड्रोजन आया, तो किसका डिपोजिशन होगा, हाइड्रोजन का, सोडियम डिपोजिट नहीं होने वाला है, राइट। दूसरे पॉइंट बात करते हैं हम लोग एनायन की बात करते हैं, तो एनायन में सल्फेट, नाइट्राइट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशंस।
या और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा डिपोजिशन ज्यादा होगा, राइट। फिर उठा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का। अब चलो हम लोग मेन पॉइंट मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का एक छोटा सा एग्जांपल लेके आते हैं, HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। तो देखिए यहां पे HCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का उदाहरण लेते हैं। देखिए यहां पे इस पॉइंट पे हम लोग पुट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो सिंपल से यहां पे करते हैं HCl ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो आयंस में आएगा एक H प्लस और एक Cl माइनस। तो यहां पे पुट करने जा रहे हैं एक ले लो H प्लस, दूसरा कौन सा Cl माइनस, राइट। अब देखो यहां पे HCl बात कर रहे हैं तो H प्लस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कहां पे करेगा, नेगेटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज कौन सा होता, कैथोड। तो यहां पे पुट करेंगे ये जो डिपॉजिट होगा कहां पे होगा, कैथोड पे होगा, कैथोड पे। क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है एनोड पे कलेक्ट होना चाहिए, तो यहां पे पुट कर दो एनोड, एनोड। तो कैथोड पे H प्लस, एनोड पे Cl माइनस। तो अब देखिए यहां पे प्रोसेस में आते हैं हम लोग, फर्स्ट की बात करते हैं ऐड कैथोड, कैथोड की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे H प्लस, ये सुनो। और कैथोड की बात करें तो यहां पे प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, रिडक्शन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहां पे पुट करेंगे प्लस वन इलेक्ट्रॉन, किस में चेंज कर जाता, एच रेडिकल में, ये सुनो। और एच रेडिकल कंबाइन करके किस में चेंज कर जाएगा, एच टू गैस। तो यहां पे पुट करेंगे हाफ मोल ऑफ एच टू गैस, यहां से एच टू गैस का, ठीक है, एलिमिनेशन होगा। दूसरी पॉइंट बात करते हैं कौन सा है एनोड, और एनोड की बात करें तो कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा। तो यहां पे क्लोराइड है किसमें आ गया, Cl रेडिकल्स में, और साथ में वन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो यहां पे वन माइनस इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, एक क्लोरीन रेडिकल्स में आ गया, और फाइनली किस में आ जाएगा, ये बन जाता Cl2, कितना लिख दे हाफ मोल। तो यहां से H2 निकला हाफ मोल और हाफ मोल Cl2। तो देखो HCl था इसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, और निकला कौन सा गैस, H2 गैस है Cl2 गैस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब किया, गेन किया, तो कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन, इधर पुट कर लो ऑक्सीडेशन, राइट। तो एक तो तुम्हारे पास रिडक्शन में हो गया कैथोड का और दूसरा ऑक्सीडेशन का, तो ये पॉइंट था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl। तो आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा ये पॉइंट हमने यहां पे यूज किया ही नहीं, लेकिन अब इसके बाद यूज करने वाले हैं। तो चलो लोग सेकेंड पॉइंट लेकर आते हैं, इसको फर्स्ट नोट कर लेना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl को, और सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, कौन से ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इन वाटर इन एक्वस फेज। तो एक्वस फेज में सोडियम क्लोराइड हम लोग लेने जा रहे हैं, अब देखो क्या होने वाला है, ठीक है। देखो इसको हम लोग यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। इस तरह से कंटेनर लेके आते हैं, इस पॉइंट ले लिया, राइट, और यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका
यहाँ पे जो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास कौन सा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ में क्या रहेगा, वाटर H2O। फिर अब करेंगे साथ में कौन सा, एक और भी है साथ में कौन सा, H2O। तो अभी को इस पॉइंट पे इसको हम लोग कनेक्ट करके एक करंट से कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा लेके आते हैं ऐसा। तो अगर करंट पास करेंगे तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर क्या होगा, डीकम्पोज करेगा। डीकम्पोज अगर यहाँ पे पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल मार्क कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव पोल पुट कर लेते हैं। और पॉजिटिव पोल की बात करें तो कैसा कंडीशन, एनोड, इधर कौन सा, कैथोड। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं कौन सा, इधर आ गया, ठीक है। और एनोड की बात करें तो कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। इधर कौन सा जाएगा, कैथोड, यहाँ पे पुट कर लो कैथोड। कैसा, नेगेटिव टर्मिनल, प्रोसेस कौन सा, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड अगर ब्रेक किया जाए तो किसमें आएगा, सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स। वाटर को डिकम्पोज करेंगे किसमें आएगा, एच प्लस एंड ओ एच माइनस। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हम लोग पुट करते हैं NaCl ले लो, और डिकम्पोज करते हम लोग कौन सा, सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स। दूसरा कौन सा आ गया, वाटर H2O, इसे ब्रेक कर दो किसमें आ जाता, H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज आ गए, आए कि नहीं, तो अब इसमें किसका डिपोजिशन होगा ये डिसाइड करेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये थोड़ा सा लर्न करने वाला है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो किसका ज्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे कौन सा, हाइड्रोजन आयन। तो किसका डिपोजिशन होना चाहिए बोलो, हाइड्रोजन आयन का। तो बोल सकते जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें कौन सा, सोडियम और हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कलेक्ट होगा, कैथोड पे। तो यहाँ पे पुट अप करते कौन सा, एट कैथोड, यहाँ पे मार करते कौन सा, कैथोड। कैथोड पे यहाँ सुनो, सोडियम और हाइड्रोजन किसका डिपोजिशन ज्यादा होगा बोलो जल्दी, H प्लस का, क्योंकि डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे H प्लस। और कैथोड रिडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, इसमें आ जाएगा H रेडिकल्स में, फिर किसमें चेंज करेगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ से कौन सा गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे पुट अप करते कौन सा, एनोड, एनोड ले लो, ठीक है। एनोड की बात करें तो इसमें देखो क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, इधर आ जाओ, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड दोनों में किसका ज्यादा होगा डिपोजिशन, क्लोराइड का होगा कि नहीं, इधर लेफ्ट राइट इंक्रीज कर रहा है, क्लोराइड का ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे कर दो Cl माइनस। एनोड की बात कर रहे हैं, प्रोसेस कैसा, ऑक्सीडेशन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हम लोग, ठीक है, किसमें चेंज जाएगा, Cl रेडिकल, और क्या बन जाता, Cl2 गैस, राइट। तो यहाँ पे जो निकलेगा Cl2, और याद रखिएगा यहाँ पे जो हमने रॉड लिया है, जो कौन सा लिया है, प्लेटिनम रॉड, कौन सा रॉड है, प्लेटिनम रॉड, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट पे कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सा गैस रिलीज किया, क्लोरीन गैस। अब किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा, कि हमने तो लिया था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कहाँ गया, सोडियम निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसी क्वेश्चन को पूछे जाते एग्जाम में, ऑप्शन में सोडियम भी गिवन होगा, लेकिन कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। यहां से कौन सा आएगा, Cl2 निकल कर आएगा, समझ में आ गया सभी को ना, राइट।
फिर था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्वस फेज। चलो हम लोग इसी में थोड़ा सा और भी आगे मूव करते हैं और थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड यहां पर करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कौन सा ले लेते हैं इस बार Na2SO4 ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट इन एक्वस फेज। ठीक है Na2SO4 इन एक्वस फेज। अब देखो क्या चेंज करना है, यहाँ पे NaCl था वाटर, ये यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे Na2SO4 राइट। अब देखो इस पॉइंट पे भी ब्रेक चेंज कर रहे थे हम लोग, जो पॉइंट है Na2SO4 राइट, इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या आएगा सोडियम आयन और दूसरा क्या आएगा सल्फेट आयन SO4-2-। अब देखो यहां पे कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड में कौन सा सोडियम और हाइड्रोजन कलेक्ट होगा कि नहीं, केटायन है माइनस चार्ज भी कलेक्ट होगा, इधर नेगेटिव भी चार्ज कैथोड पे यहां पे डिपोजिट होगा इस रॉड पे कैथोड रॉड पे। ठीक है तो सोडियम और हाइड्रोजन ठीक है दोनों में बोलो कौन सा डिपोजिशन होगा, इधर आ जाओ सोडियम हाइड्रोजन कौन सा डिपोजिशन होना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहां पे H प्लस आया H2 गैस निकल गया। सेकेंड आ जाओ एनोड पे आ जाओ, एनोड कौन सा सल्फेट और OH-, इधर आ जाओ सल्फेट OH- किसका डिपोजिशन होगा OH- का होगा, तो यहां पे हमें इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो चलो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं यहां पे। ठीक है इस पॉइंट पे क्या लिखना होगा OH- और OH- को अगर ब्रेक करेंगे तो 2 मोल ले लेते यहां पे, तो इस पॉइंट पे क्या जाएगा बोलो एक तो H2O निकल के आ गया और साथ में O2 बाहर निकलेगा हाफ मोल ऑफ O2, इधर पुट कर लेते हैं हाफ मोल ऑफ O2 निकलेगा कि नहीं, इधर 2 OH है एक H2O कंबाइन कर लिया बाकी एक ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे कितने माइनस 2-, इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये सुनो यहाँ पे भी हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, इधर 2 H लिख देते हैं ये सुनो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे हमने ये जो कर लिया मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वायर थ्रू मूव करेगा। तो अब देखो इस पॉइंट पे ठीक है अगर Na2SO4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सा गैस निकलेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड पे कौन सा गैस निकलेगा ऑक्सीजन गैस लिब्रेट करेगा, सल्फेट मत ढूंढते रह जाना कि सल्फेट निकलेगा क्या नहीं डाला लेकिन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे जो बच गया एक कौन सा बच गया सोडियम और दूसरा कौन सा गया सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का एक फॉर्मेट होगा इन साइड भी। ठीक है लिब्रेशन किसका होगा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का, एनोड पे कौन सा ऑक्सीजन गैस का, और कैथोड की बात करें यहाँ पे 1 मोल H2 गैस बाहर निकलेगा, यहाँ पे 0.5 मोल ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, डिफरेंस है ना। ठीक है इसके पहले एक ही मोल निकल रहा था, यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे कौन सा 0.5 मोल आएगा, इस पॉइंट पे फोकस करने का। ठीक है फिर था सोडियम सल्फेट का। चलो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एक और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल्स लेते हैं कॉपर सल्फेट का लेकर आते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं और फोर्थ पॉइंट लेकर आते हैं और पुट करते हैं इसे कौन सा कॉपर सल्फेट CuSO4 इन एक्वस फेज। अब इसका पूछा जाएगा क्वेश्चन एक्वस फेज याद रखिएगा रॉड कैसा प्लेटिनम रॉड। ठीक है अब अगर CuSO4 इन एक्वस फेज की बात कर रहे हैं तो बोलो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इसको चेंज कर दे पहले यहां पे चेंज करो इसे लिख दो कॉपर CuSO4 यहां पे जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा कॉपर Cu ये सुनो। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं हम लोग तो देखो कॉपर सल्फेट कॉपर आ गया सल्फेट एक H प्लस एक OH माइनस, अब सेम पॉइंट यहां पे कॉपर 2 प्लस है ठीक है और H प्लस है, कॉपर 2 प्लस और H प्लस बोलो किसका डिपोजिशन होगा ज्यादा कॉपर 2 प्लस का होगा, तो यहाँ पे H प्लस अब नहीं निकलने वाला,
ये मत सोचना सब जगह एच टू गैस निकालते रहे, ठीक है। कौन सा निकालना होगा यहाँ पे, कॉपर मेटल अब निकल कर आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहां से, ठीक है, इधर देखो इस पॉइंट पे कॉपर 2+ ले दिए, कैथोड है तो डिडक्शन प्रोसेस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कौन सा मेटल डिपोजिट होगा, कॉपर मेटल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था, कॉपर सल्फेट CuSO4, मतलब इस पॉइंट पे कॉपर डिपोजिट होगा, यहाँ पे क्या डिपोजिट होने लगेगा, कॉपर। दूसरा पॉइंट देखो, सल्फेट और OH-, इधर आ जाओ, सल्फेट और OH-, कौन सा लिबरेशन होगा बोलो, OH-, OH- का बना हुआ है क्या, कौन सा, H2O+ ½O2, वेट 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या निकलना चाहिए, ऑक्सीजन गैस, कितना मोल निकलेगा, 1/2 मोल। कॉपर कितना मोल निकलेगा, 1 मोल निकलेगा, राइट। तो कॉपर का 1 मोल, यहाँ पे एनोड पे कितना मोल आएगा, 1/2 मोल ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, सही है। फिर तो पॉइंट था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इन एक्वस फेज, तो इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेना, अच्छा सुना लेना, इसमें क्वेश्चन इसलिए रखें कौन सा लिबरेट करेगा, तो यहाँ से इसको तो निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का थोड़ा सा ये याद रखने का, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब इस पॉइंट पे वो फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, और एक हम लोग लेते हैं कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। विद कौन सा, कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड लिया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था। अब लोग कॉपर इलेक्ट्रोड को लेकर आते हैं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखो इस पॉइंट पे कौन से लिया, कॉपर सल्फेट CuSO4, सिंपल सा इसे डिकम्पोज करेंगे, इसमें आ जाएगा कॉपर 2+ और सल्फेट आयन, राइट। अब देखो कॉपर 2+ की बात कर रहे हैं, तो कैथोडिक प्रोसेस की बात करते हैं, एट कैथोड, यहां पर लिखते हैं कैथोड, कैथोड में कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। तो इस पॉइंट पे कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसमें आ जाएगा कॉपर मेटल में, राइट। अब दूसरी पॉइंट बात करते हैं कौन सा, एट एनोड, एनोड, एनोड में जो कॉपर है इस पॉइंट पे वो किससे ट्रीट कर जाता, सल्फेट आयन से, और बना क्या देगा, कॉपर सल्फेट, बाहर कौन सा निकलेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉइंट पे जो माइग्रेशन होता वो किसका होता, कॉपर का होता, किसका माइग्रेशन होता, कॉपर का माइग्रेशन होता, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स हम लोग मेटलर्जी में भी डिस्कस किए होंगे और करेंगे भी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कॉपर का माइग्रेशन हो रहा है कैथोड से, यहाँ पे निकला किधर मूव कर रहा है, एनोड की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रो कॉपर सल्फेट कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सेम टू सेम इसमें एक एग्जाम्पल और भी लेकर आते हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे पुटअप करते कौन सा, AgNO3 लेते, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, साथ में कौन सा लेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे लेके आते हैं Ag इलेक्ट्रोड, Ag इलेक्ट्रोड। अब चलो हम लोग इस पॉइंट पे मार्क करेंगे, इसमें क्या क्या होना चाहिए प्रोसेस, ठीक है। टोटे को यहां पे इसको हटा के यहां से,
सेम प्रोसेस आएगा क्योंकि सेम नेचर में हम लोग आ रहे हैं। पहला हम लोग केमिकल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो AgNO3 डिकम्पोज करेंगे तो किसमें आ जाएगा Ag+, साथ में कौन सा निकल कर आएगा NO3-, राइट। कैथोड की बात कर रहे हैं तो कौन सा ट्रेक करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला करेगा, इधर आते हैं Ag+, राइट। और Ag+ की बात करें तो क्या जाना चाहिए Ag, साथ में वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किसमें आ जाएगा Ag- बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एनोड पे आ जाओ, Ag जो निकल कर आया यहाँ पे, इसको किसके साथ करेंगे, नाइट्रेट आयन NO3-, बोलो किसमें चेंज कर जाएगा AgMO3, चार्ज बैलेंस करना होगा, यहाँ पे माइनस वन है तो इधर क्या आएगा वन इलेक्ट्रॉन, तो इधर पुट करते हैं वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कौन सा आ गया Ag+NO3, ये जब समझ गया वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसका, सिल्वर का, डायरेक्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, पहला कौन सा डिस्कस किया हमने विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मींस वाटर के साथ एक्वस फेज में, वहां पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरम देखते हुए फाइंड करना है किसका डिपोजिशन होगा, और वही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दूसरा विद उसी का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम लोग Ag3 इलेक्ट्रोड में, तो उसी का माइग्रेशन होगा, राइट। तो ये पॉइंट था इलेक्ट्रोलाइसिस का। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।